हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया वाले आशीष में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले झारखंड का एक फेमस जिला लातेहार जिला के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लातेहार जिला भारत के झारखंड राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है, जो कि पलामू प्रखंड का हिस्सा है। लातेहार झारखंड के 24 जिलों में से एक है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 2001 को हुई थी। यह जिला कुल 3,669.59 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 7,26,978 है, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से यह झारखंड का 20वां सबसे बड़ा जिला है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लातेहार जिला, जहाँ हर एक इंसान का ख्वाहिश होता है घूमने आने को, और यह हो भी क्यों ना। यहाँ की संस्कृति और परंपरा पूरे झारखंड में जो प्रचलित है, और नेतरहाट का वह मैग्नोलिया पॉइंट जहाँ हर एक प्रेमी का ख्वाहिश होती है एक बार जाने को, क्योंकि एक लड़का और एक लड़की की अमर प्रेम कहानी जो अधूरी रह गई थी, वह आज भी इस मैग्नोलिया पॉइंट में महसूस होती है। और यह जगह अपने खूबसूरत सूर्यास्त के लिए जाना जाता है, और यहीं मौजूद है भारत का 21वां एवं झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात। इसी जिले में मौजूद है झारखंड की पहाड़ों की मल्लिका। अब मैं अपनी बातें बंद करता हूं और आपको लिए चलता हूं झारखंड के खूबसूरत जिलों में से एक लातेहार की सैर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको लातेहार के 5 सबसे खूबसूरत जगहों की सैर में लेके जाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट के पहले नंबर पे आता है नेतरहाट। नेतरहाट लातेहार जिला मुख्यालय से लगभग 83 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहाड़ों की मलिका एवं छोटा नागपुर की रानी कहे जाने वाली यह एक हिल स्टेशन है। यह झारखंड का सबसे ठंडा स्थल है। हरे घने जंगल से घिरी नेतरहाट में दो बहुत ही प्रचलित जगह मौजूद हैं, जिसमें से पहला है सनराइज पॉइंट और सनसेट पॉइंट, जिसे मैग्नोलिया पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यह मैग्नोलिया पॉइंट का नाम इस प्रकार पड़ा कि मौजूदा समय में बिहार के रिटायर्ड गवर्नर जनरल की बेटी मैग्नोलिया और एक चरवाहे की अमर प्रेम कहानी प्रचलित है, जो कि अधूरी रह गई थी। इसी जगह में अभी इन दोनों की एक मूर्ति बनाई गई है, जो अभी हर पर्यटक जो सनसेट देखने आते हैं, वह इस जगह में मौजूद इस प्रतिमा को देखकर सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि कैसे कोई अपने प्यार को अमर रखने के लिए एक एक कर इस जगह से कूद कर अपनी जान दे दी थी। और यही मौजूद है झारखंड का पॉपुलर स्कूलों में से एक नेतरहाट आवासीय विद्यालय, जो पूरे झारखंड में प्रचलित है। यहाँ एडमिशन के लिए हर वर्ष कई बच्चे अप्लाई करते हैं। नेतरहाट का मौसम इतना खूबसूरत है कि हर एक प्राकृतिक प्रेमी का आकर्षण का केंद्र है। और यह हो भी क्यों ना, यह हमारे झारखंड का सबसे बेहतरीन घूमने के जगहों में से एक है। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर पे आता है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात, जिसे बूढ़ा घाग झरना के नाम से जाना जाता है। यह जलप्रपात पलामू टाइगर रिजर्व के मध्य जंगल में स्थित है, जो कि लातेहार जिला मुख्यालय से लगभग 93 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जलप्रपात भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी कुल ऊंचाई 143 मीटर है, जिससे इसकी गिरने की गड़गड़ाहट की आवाज 3 से 4 किलोमीटर तक सुनाई देती है। यह जलप्रपात बुरहा नदी पर स्थित है। यह झरना पिकनिक स्पॉट के तौर से देखा जाए तो यह झरना घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। इस जलप्रपात के अगल बगल बहुत ही घनी जंगल मौजूद है। इस झरने का घने जंगल के साथ होना मन को सुकून देता है। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पे आता है पलामू किला, जो लातेहार जिला मुख्यालय से लगभग 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पलामू किला दो खंडहर किले हैं, जो अपने अस्तित्व को लिए खड़ी है। यह किला औरंगा नदी के तट पर बेतला राष्ट्रीय उद्यान के 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मैदानी इलाके में स्थित पुराना किला, जो चेरो राजवंश से भी पहले अस्तित्व में था, जो रक्सेल राजवंश के राजाओं द्वारा बनाया गया था। मैदानी इलाके में स्थित किले की तीन तरफ सुरक्षा थी और तीन तरफ मुख्य द्वार थे, और इसी से कुछ दूरी पर नए किले का निर्माण कराया गया था, जो मेदिनी राजवंश के राजाओं ने कराया था। यह किला अपने समय का सबसे मजबूत किलों में से एक है, क्योंकि इस किले के प्राची की चौड़ाई लगभग 7 फीट तक है। यह जगह ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हर वर्ष कई लोग घूमने आते हैं, क्योंकि यह जगह घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है।
तो दोस्तों हमारे लिस्ट के चौथे नंबर पे आता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान विभिन्न प्रकार के वन जीवों की मेजबानी करता है। इस पार्क में कुल 174 प्रजाति के पक्षी एवं 49 प्रकार के जंगली जानवर पाए जाते हैं। इस पार्क के जंगलों में वनस्पति की एक विशिष्ट श्रृंखला है, जिसमें प्रमुख घटकों के रूप में साल और बांस के साथ साथ कई औषधि पौधे भी शामिल है। इस पार्क के उत्तरी भाग में कोयल नदी एवं उसकी सहायक नदी बहती है, जिससे इस पार्क में घास की मैदान बनती है। इस पार्क के अलग अलग जगहों में कई सारे लाइट हाउस और ट्री हाउस मौजूद है, जिसमें रहने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। यह जंगल टूर के लिए फर्स्ट टाइम में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और सेकेंड टाइम दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक होती है। इस पार्क में ठंडे और गर्म पानी के झरने मौजूद हैं। यहाँ 2 ऐतिहासिक किले भी मौजूद हैं, जिसे पलामू किला के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में मैंने तीसरे नंबर में बताया है। इस पार्क में कई प्रकार के जंगली जानवर रहते हैं, जिनमें से भालू, तेंदुआ, लकड़बग्घा सियार, भेड़िया, चीता, हिरन, नीलगाय और भी बहुत कुछ है। तो दोस्तों यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा मौसम है नवंबर से मार्च के बीच, क्योंकि इस समय कड़ाके की ठंडी होती है, जिसके कारण सारे जानवर अपने मांद से बाहर निकल के टहलती है। तो दोस्तों हमारे लिस्ट के पांचवें एवं अंतिम नंबर पे आता है निचला घाग झरना। निचला घाग झरना लातेहार जिला मुख्यालय से लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भारत का 33वां सबसे ऊंचा झरना है। यह अपनी मनमोहक सुंदरता और झारखंड के एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण के केंद्र के लिए जाना जाता है। यह झरना औरंगा नदी की सहायक नदी घाघरी नदी पर स्थित है। निचले घाघरी झरना के आसपास का जंगल इतना घना है कि सूरज की किरणों को भेदना मुश्किल हो जाता है। झरने से पानी 320 फीट यानी 98 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। गिरते पानी का आवाज आसपास के वातावरण को संगीतमय बना देता है। यह झरना फोटोग्राफी का एक बेहतरीन मौका देती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो यानी पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में जो सही जवाब दिए थे उनके नाम हैं अकेला सुमन, दीपक कुमार ठाकुर, सौरभ प्रकाश, रेहान कुमार, यूजर RW1MW एंड एवरीवन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले आने वाले नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।